लसूड़िया थाना क्षेत्र में धर्मांतरण को लेकर हिंदू संगठन के लोगों ने जमकर हंगामा किया। यहां एक विवाह समारोह की आड़ में एक आदिवासी परिवार का धर्मांतरण किया गया था। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र के शालीमार टाउनशिप के पास का है, जहां पर हरदा के एक आदिवासी परिवार की लड़की की शादी को लेकर हिंदू संगठन ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि आदिवासी परिवार का धर्म बदलकर उनकी शादी की जा रही थी, जिसके बाद बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंचे और हंगामा किया। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमारे को सूचना लगी कि ईसाई धर्म के द्वारा यहाँ पे हिंदू लड़की का यहाँ पे जो है कि धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। जब हमारे को पूरी सूचना लगी तो हम वहाँ पे गए, उसके दौरान हमने प्रशासन को भी सूचना करी, प्रशासन को भी अवगत कराया उससे। तो उसी देर में प्रशासन के लोग भी आ गए थे, CSP साहब आए थे, TI साहब आए थे और पूरी तरह से वहाँ पे जो है कि विवाह के आड़ में पूरा धर्मांतरण का एक वो बड़ा वो गिरोह टाइप एक काम चल रहा था कि एक लड़की की शादी एक क्रिश्चियन लड़के से कर रहे हैं, उसके आड़ में उसके परिवार के कम से कम 10-15 लोगों को धर्म परिवर्तन करने वाले थे। लेकिन चूंकि हम लोग पहुँचे, कुछ हंगामा हुआ, तब जाके उन्होंने जो है कि एक मामले को शांत करने के हिसाब से TI साहब ने भी वहाँ पे संज्ञान लिया है। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि हम एक उचित कार्रवाई करेंगे, यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अभी 8-9 बजे करीब इसी सूचना प्राप्त हुई थी कि TPM चर्च है स्कीम नंबर 78 में, जहाँ कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ चल रही है, भीड़ भाड़ इकट्ठी हुई है। सूचना पे जाके वहाँ तस्दीक किया गया तो देखा पाया गया कि वहाँ पे एक शादी कार्यक्रम चल रहा था, काफ़ी भीड़ भाड़ थी, वहाँ करीब 200-250 लोग थे और आयोजन की अनुमति नहीं थी। फादर चर्च के फादर रमेश से पूछताछ की गई तो उन्हें आयोजन की अनुमति नहीं थी बताई, और भीड़ भाड़, कोई सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं हो रहा, कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा था। इस पर फादर के खिलाफ धारा 188 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। सर, कुछ संगठन वाले आरोप लगा रहे हैं कि कोई धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। हाँ, ऐसा कुछ था नहीं, वहाँ पे सब बयान लिए गए तो मात्र शादी का कार्यक्रम था, किसी प्रकार कोई धर्म परिवर्तन नहीं था। अगर धर्म परिवर्तन करवा कर शादी करवाई जा रही है, इस बात की उन लोगों ने आवेदन दिया है जिसकी जांच कर रहे हैं। आपका परिचय दे दो। उपनिरीक्षक अशरफ अली अंसारी, थाना लसुड़िया, इंदौर।